ऑल राइट, तो सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, और उसके बाद फिर डी ब्रॉय वेव्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा है, कल हम लोगों ने ये जो पूरा हॉलवॉक एंड लेनार्ड का फोटो ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसके सारे के सारे जो ग्राफ्स हैं वो सारे के सारे हमने देखे, कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेशन करेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, ये सारी बातें हमने कल समझी, वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे होता है करंट का, ठीक है, इंटेंसिटी के साथ कैसे होता है, वोल्टेज के साथ कैसे होता है, ये सारे के सारे वेरिएशन हमने देखे। और क्या देखा था कि एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, राइट। वो क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कम से कम वर्क फंक्शन को तो ओवरकम करेंगे तभी तो जाके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब क्या, उसके करस्पॉन्डिंग मेरी कुछ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी एग्जिस्ट करेगी, कट ऑफ वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक ही बात है, राइट, ठीक है, तो समझ गए। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो उसी से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन ट्राई करना है, क्या क्वेश्चन है सब लोग देखो, क्या पूछा है, फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर जिंक, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम इट्स सर्फेस बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 250 नैनोमीटर। गिवन क्या है, वर्क फंक्शन जो है जिंक का दे रखा है 3.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, एक जो नंबर है जो तुम लोगों को याद रखना है, यानी नहीं याद है तो फिर बहुत लंबा चौड़ा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो एच सी का जो प्रोडक्ट है अक्सर तुम्हें एच सी बाई लैमडा का टर्म यूज करना पड़ता है, एच न्यू या एच सी बाई लैमडा, तो एच सी का जो प्रोडक्ट है एज इट इज याद रखो तो तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एच सी का प्रोडक्ट क्या होता है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, कई बार 1240 भी लिख लेते हैं अगर कैलकुलेशन उससे आसान हो रही होती है, बट ये ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं। ऑल राइट, तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या होता है, अक्सर एक्सप्रेशंस तो आराम से निकल जाते हैं, प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन करने में, तो कैलकुलेशन करने के भी खास तरीके होते हैं, उसके लिए छोटी छोटी टिप्स ध्यान रखनी, जैसे एक तो मैंने बताया एच सी का प्रोडक्ट तुम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि अक्सर क्या है तुमको एनर्जी वगैरह जो है तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादातर जो एनर्जी होती है सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें काम करना पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो इसको भी कई बार यूज करके हमारा काम थोड़ा आसान हो सकता है, हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना था, हमें पूछा था कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए तो वर्क फंक्शन को हम क्या करेंगे, फोटोन एनर्जी के बराबर कर देंगे, क्योंकि जस्ट इट विल बी एबल टू एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन, वॉल को बस क्लाइंब करने लायक जस्ट एग्जैक्ट एनर्जी है तो वो थ्रेशोल्ड होगा, राइट, ठीक है। उससे ज्यादा एनर्जी होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी कूदने के बाद, राइट। तो क्या आ जाएगा, 5 HC/λ थ्रेशोल्ड, तो लैम्डा थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगा, HC/5। अब HC को पुट कर दिया 1242 EVNM और 5 जो दे रखा 3.74 EV, तो ये डिवाइड किया तो ये आ गया 332.1 नैनोमीटर, ये हमारी क्या आ गई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब ये क्या है, मिनिमम वेवलेंथ है या मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, क्योंकि लैम्डा इनटू न्यू कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर व्हिच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल हैपन, इससे कम वेवलेंथ पे भी पॉसिबल है, राइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगी फिर अकॉर्डिंगली, समझ में, लैम्डा इनटू न्यू सी के बराबर होता है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जितनी भी फोटोन की एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन माइनस कर दो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, HC/λ माइनस ये, तो ये मेरी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब चक्कर क्या है, इससे मुझे इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दे रखी है, या तो इसको जूल में कन्वर्ट करो, फिर ½ mv² से इक्वेट करो, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिर किलोग्राम में पता होना चाहिए जो भी है, ठीक है, तो उससे भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की mc² के बराबर होती है, बाय द वे, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू mc², वेयर m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड c² वो अपना वही लाइट की वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैंने अभी भी क्या बताया, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 0.51 MeV भी कई बार लिखते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0.51 ले लेते हैं, ठीक है। तो के मैक्स को हम क्या कह सकते हैं, ½ mv max का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ½ mc² into vmax/c का स्क्वायर, ठीक है। तो वी मैक्स बाई सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लाइट की वेलोसिटी के टर्म्स में आ जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी कहीं से मल्टीपल में, तो √2 Kmax/mc². अब mc² जो मुझे पता है ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पता है, ठीक है, तब भी थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेट करोगे तो 6.6 × 10⁵ m/s आ जाएगा, ठीक है, और नहीं तो डायरेक्टली भी ½ mv² से इक्वेट कर सकते हो, बस एक और तरह कैलकुलेशन करने का, ठीक है। तो आई हैव जस्ट शोन यू वन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग।
दूसरा है हाफ एम वी स्क्वायर से डायरेक्टली इक्वेट कर दो, उसमें शायद कैलकुलेशन से ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो क्या याद रखना है, एच सी की वैल्यू 1242 eVnm और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू सी स्क्वायर क्या होता है 511 keV या 0.51 mev। ठीक है, बाकी रेडियो एक्टिविटी में मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर की भी जरूरत पड़ती है, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी स्क्वायर की भी जरूरत पड़ती है, तो वो जहां तक मुझे याद है 931 mev के आसपास होता है। ठीक है, वहीं पे मैं बताऊंगा। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन का ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है सभी को, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं वापस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। क्या है क्वेश्चन, इल्यूमिनेटिंग द सर्फेस ऑफ सर्टेन मेटल ऑल्टरनेटली विद लाइट ऑफ लैम्डा 1 इक्वल टू 0.35 माइक्रोमीटर एंड लैम्डा 2 इक्वल टू 0.54 माइक्रोमीटर। इट वॉज फाउंड दैट करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिफर बाय फैक्टर ऑफ ईटा इक्वल टू 2। तो इसमें किस में ज्यादा स्पीड आएगी, जो स्मॉलर वेवलेंथ है उसमें ज्यादा स्पीड आएगी, राइट। तो क्या दे रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटीज जो है वो 2 के फैक्टर से मेरी अलग अलग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी होंगी 4 के फैक्टर से अलग होंगी, राइट, जो स्मॉलर वेवलेंथ है उससे ज्यादा 4 टाइम ज्यादा करंट। तो पूछा है क्या, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। तो ठीक है, ट्राई करो, एरोडो 5.274 है, खुद से ट्राई करो। ठीक है, हो जाए तो फिर बोल दो। हाँ, तो सिंपल ये है, के मैक्स क्या होता है, मेरा के मैक्स होता है एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, राइट, फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो के मैक्स के अंडर रूट के रेशियो में होगा, तो वी वन बाई वी टू क्या हो जाएगा, तो एच सी बाई लैम्डा 1 माइनस 5 अपॉन एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस 5 का अंडर रूट हो जाएगा, राइट। अब इसी को रीअरेंज करके कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो तो 5 की वैल्यू ये आ जाएगी तुम्हारी, बस रीअरेंज किया इस इक्वेशन को, स्क्वायर करके रीअरेंज कर दिया। अब तो बस वैल्यूज डालनी है, एच सी की वैल्यू 1242 eVnm, तो उसको ऐसे ही रखना है। ठीक है, क्योंकि नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो सब कैलकुलेट करके फिर फाइनली मेरे पास क्या आ जाता है, वर्क फंक्शन आ जाता है 1.88 इलेक्ट्रॉन जोल। ठीक है, क्लियर है सभी को, आगे समझ में, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इरोडो 5.275, यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में मिक्स किया हुआ है, तो अभी ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है। सब लोग मेरी तरफ देखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, एक मेरे पास कॉपर का स्फीयर है, ठीक है, कॉपर का स्फीयर है और आइसोलेटेड स्फीयर है, मतलब समझो कि स्पेस में कहीं पे टंगा हुआ है, इससे कोई और कोई इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। आइसोलेटेड स्फीयर के ऊपर लाइट आके पड़ रही है, लाइट पड़ रही है तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर एजेक्ट होंगे तो क्या होगा, ये पूरा स्फीयर जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे इसका चार्ज बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन्स निकल तो रहे हैं लेकिन उनके ऊपर ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, राइट। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ एस्केप करें, स्लो डाउन और स्लो डाउन होते रहेंगे, राइट। तो अभी क्या होगा, बढ़ते बढ़ते कभी चार्ज इतना हो जाएगा कि इन्फिनिटी पे जाके इतना स्लो डाउन हो जाएगा कि इन्फिनिटी पे जाके इनकी वेलोसिटी जीरो ही होगी। तो फिर क्या होगा, उसके बाद फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल के फिर यू टर्न मार के वापस इसमें गिरने लगेंगे, बात समझ आएगी नहीं, एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे और वापस इसके अंदर ऐसे ऐसे करके गिर रहे होंगे, राइट। ठीक है, तो वो कब होगा, वो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, बेसिकली मतलब अब तुम खुद से लॉजिक लगाओ कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे जीरो करनी तो इसका क्या पोटेंशियल होंगे, समझ में आ रही है बात के लिए। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है, अभी खुद से इसको फिर करो, क्या लिखा है, अप टू व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल विल अ कॉपर बॉल रिमूव फ्रॉम ऑल अदर बॉडीज बी चार्ज व्हेन इरेडिएटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 140 नैनोमीटर। वर्क फंक्शन कितना दिया है कॉपर का, कॉपर का दे रखा 4.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, खुद से अभी करो ट्राई, फिर उसका डिस्कस कर। यहाँ पे समझो मैकेनिज्म क्या हो रहा है, फोटोन गया उसने इलेक्ट्रॉन को किक मारी तो अब सरफेस को ओवरकम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उससे कुछ लेना देना नहीं है, शेल थ्योरम से बाहर के सरफेस पे जो चार्ज है उसको सरफेस के ओवरकम करने में कोई भी उसका रोल नहीं है, समझ गए कि नहीं। कंडक्टिंग स्फीयर है, जो वो चार्ज है उसका अट्रैक्शन कम लगेगा जब सरफेस को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा, ठीक है नहीं। तो एच न्यू माइनस 5 के हिसाब से वो जस्ट क्रॉस किया, उसके बाद जो सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है उसने नेगेटिव वर्क करना शुरू किया जैसे जैसे ये दूर जा रहा है, समझ में आई बात के लिए, क्योंकि अंदर कंडक्टर के तो फील्ड जीरो है, कंडक्टर के जस्ट बाहर जाके फील्ड लगना चालू होगा इसके ऊपर। दूर जा रहा है इसके ऊपर इतना नेगेटिव वर्क कर दो कि इन्फिनिटी पे जाके रेस्ट कर जाए तो यू टर्न मारना शुरू कर देगा, राइट। ठीक है, एंड देन दे विल स्टार्ट फॉलिंग बैक इनटू द स्फीयर, दस मैक्सिमम पोटेंशियल कॉपर स्फीयर विल बी सेम एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब समझ गए, समझो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इन्फिनिटी पे कलेक्टर प्लेट लगी हुई है और इन्फिनिटी पे ये पहुंच नहीं सकता, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर ही ना, एक तरह से इफेक्टिवली विजुलाइज करो फोटो ट्यूब की तरह से, तो आई बात समझ में कि नहीं।
बस एच न्यू माइनस फाइव को ई वी एस के बराबर कर दिया, वेयर वी एस इज द टॉपिंग पोटेंशियल। अब तो ठीक है, अब तो वी एस के लिए सॉल्व करना है, तो वो क्या आ जाएगा, एच सी बाई लैमडा ई माइनस फाइव बाई ई, तो ये कैलकुलेट करते हो तो ये 4.39 वोल्ट आ जाता है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अभी इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं नोट्स में ये क्वेश्चन है कि नहीं है, बट फिर भी सुन लो, कहीं पे ऐसा क्वेश्चन होता है और बच्चे ब्लंडर करते हैं इसमें। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन कि ये लिखा होता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलने वाला है, इसने निकलने से पहले कोलिजन किया, ठीक है, मतलब फोटोन एब्जॉर्ब किया, तो उसके बाद बच्चे कई बार क्या करते हैं कि जो के मैक्स होती है उसका ही 10, मतलब बोल दिया कि 10% एनर्जी लूज कर दी इसने। ये ऐसा जनरली थोड़ा ऑब्स्क्योर सी लैंग्वेज लिखते हैं कि इन एवरी कोलिजन द इलेक्ट्रॉन लूजेस 10% ऑफ इट्स एनर्जी। तो बच्चे क्या करते हैं, जो के मैक्स निकाल लेते हैं और के मैक्स में से 10% माइनस करना शुरू कर देते हैं, बट ये रॉन्ग पिक्चर है। कोलिजन के मैक्स के बाद थोड़ी ना हो रहा है, कोलिजन तो मैट्रिक्स के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कब माथा फोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स के अंदर ही माथा फोड़ रहा है, निकलने के बाद थोड़ी ना माथा फोड़ रहा है, समझ में आई बात की नहीं। तो कई बार लिखा होता है कि हर कोलिजन पे 10% एनर्जी जा रही है, तो वो के मैक्स में से 10-10% नहीं करते हैं, वो जो है फोटोन की जितनी भी एनर्जी थी, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन था, इसने इलेक्ट्रॉन को पूरी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले एनर्जी दी थी, इसमें से हर कोलिजन पे 10-10% वो लूज करते जाएगा। ठीक है, उसके बाद निकल रहा है, अब 10-10% माइनस करने के बाद वर्क फंक्शन माइनस होगा। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं इसमें सिली मिस्टेक, पहले वर्क फंक्शन माइनस करने के बाद फिर 10-10% काटना शुरू कर देते, वो गलत है, समझ में आ रही है ना पिक्चर क्या है। ठीक है, सरफेस को ओवरकम करने में ही 5 माइनस होगा, उसके पहले कोई 5 नहीं माइनस होगा, जब तक अंदर की प्रोसेस चल रही है उसी में से हर कोलिजन में जितना परसेंट जा रही है एनर्जी, फोटोन ने पूरा पूरा दे दिया उसमें से माइनस करते चले गए, समझ में आई बात की नहीं। तो बी वेरी केयरफुल, इसमें बहुत बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर होगा सभी को, समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते क्या है, इरिडोस 5.276। यहाँ पे क्या है, अभी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, ए इंटू 1 प्लस cos ωt इंटू cos ऑफ ओमेगा नॉट पी। ठीक है, अभी थोड़े से बुद्धि चलानी पड़ेगी इसमें, जब इस तरह से तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया हुआ है, तुमको पता है के मैक्स जो होगा वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, बट इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो सीधे सीधे दिख ही नहीं रहा, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रोडक्ट फंक्शन दिया हुआ है ना, इस प्रोडक्ट फंक्शन को सम की तरह एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और जब सम की तरफ एक्सप्रेस करोगे तो उसमें से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल डिसाइड योर के मैक्स, आएगा समझ में के लिए। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कई बार जैसे तुमको प्रोडक्ट फंक्शन दिया हुआ है, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ए साइन बी टाइप का होता है, तो उसको साइन ए प्लस बी बाई कर सकते हो ना, प्रोडक्ट फंक्शन को सम की तरह एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इस तरह की बात है, मान लो किसी सरफेस पे 4 फ्रीक्वेंसीज इंसिडेंट हो रही है, लेटर से 10^14 हर्ट्ज हो रही है, 2 × 10^14 हर्ट्ज हो रही है, 5 × 10^14 हर्ट्ज हो रही है, तो सब अपने अपने हिसाब से के मैक्स देंगे इंडिविजुअली, लेकिन ओवरऑल के मैक्स देखना है तो वो कौन सी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, समझ में बात के लिए। तो जब भी इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो इसको सम फॉर्म में कन्वर्ट करो और देखो उसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से के मैक्स डिसाइड होगा, समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो अभी पढ़ता हूँ क्वेश्चन, फिर ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड देन विल डिस्कस। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ लिथियम बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट वेरीज विद ई इक्वल टू ए इनटू 1 प्लस कॉस ओमेगा टी इनटू कॉस ओमेगा नॉट टी। इस तरह से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है। ठीक है, तो रेडिएशन इस तरह की है, कुछ मिक्सचर डाला होगा फ्रीक्वेंसी इसका, जिसकी वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी कर रहा है। बात की नहीं भाई, हो ही सकता है ना, दो दो फ्रीक्वेंसी एक साथ डालोगे तो कुछ तो कंपाउंड होकर फंक्शन बनेगा, तो इस तरह का कुछ फंक्शन बना हुआ है। Where A is a constant and omega दे रखी है 6 × 10^14 और omega naught दे रखी है 3.6 × 10^15। ठीक है, और लिथियम का वर्क फंक्शन क्या दे रखा है, 2.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी इसको प्रोडक्ट फंक्शन को सम की तरह एक्सप्रेस करके तुम पता लगाओ कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से तुम क्या निकाल सकते, के मैक्स ही पूछा ना, हाँ के मैक्स पूछा। ठीक है, अभी अपने आप से ट्राई करो, आई होप जो मैंने बोला समझ में आया क्या हो रहा है, ये मिक्सचर जा रहा है तो मिक्सचर में के मैक्स इज गवर्न बाय द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट इन द मिक्सचर ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, खुद से ट्राई करो अभी। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन को उड़ाने के लिए एक ही फोटोन लगता है, दो फोटोन मिलकर किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं उड़ा सकते, अदरवाइज तो फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही क्यों करती। मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम्हारी लेटर से कुछ आ गई 10^14 हर्ट्ज आ गई, तो फिर क्या है, तो अगर दो फोटोन मिलकर उड़ा सकते होते तो क्या होता, 0.5 × 10^14 के दो फोटोन मिलकर उतनी एनर्जी क्रिएट कर देते। ठीक है नहीं, तो एक आम तोड़ने के लिए एक ही पत्थर लेगा, ये नहीं कि दो पत्थर आधी आधी एनर्जी के एक साथ लगे तो आम टूटेगा, ऐसा नहीं, और दो पत्थर लगते नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ही नहीं होती उस चीज, समझ में आई बात की नहीं, तो ये मत सोचना, नहीं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो समझ गए। तो यहाँ पे अगर मिक्सचर है तो ये मत सोचना कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के फोटोन एक साथ फिल पड़ेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन पे, ऐसा नहीं होगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उड़ाएगा, समझ गए कि नहीं। तो
ठीक है, इसको बहुत ध्यान से विजुलाइज करना है इसको, ठीक है अभी ट्राई करो। ठीक है तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या लिखा? द गिवन रेडिएशन इज अ मिक्स ऑफ वेरियस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स व्हिच कैन बी फाउंड बाय एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्ट एज द सम ऑफ सिंपल सिनुसॉइड्स। तो ये प्रोडक्ट है ना, इसको सिंपल सिनुसॉइड्स का सम की तरह एक्सप्रेस करूंगा। एक्चुअली तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने किस फॉर्म की देखी है? ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म की देखी है। तो ये क्या है, ये मल्टीपल ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी टाइप के टर्म्स का समेशन है। एक्चुअली के एक्स स्पेस डिपेंडेंस नहीं दिखा रही कि ये किसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहे, तो इस तरह से खाली एक्स पार्ट को हटा के लिख रखा है फील्ड फंक्शन, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल सिनुसॉइड्स की तरह एक्सप्रेस करूंगा। तो इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, एक्सपैंड करके एक टर्म आ जाएगा ए कॉस ओमेगा नॉट टी, और दूसरा क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए कॉस ओमेगा टी कॉस ओमेगा नॉट टी, ठीक है। अब ये टू कॉस ए कॉस बी से एक्सपैंड कर दोगे तो मतलब क्या है, तुम्हारे पास तीन टर्म्स है, यू हैव थ्री सिनुसॉइडल टर्म्स। वन इज ए कॉस ओमेगा नॉट टी, दैट मींस वन ऑफ द रेडिएशन हैज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट। नेक्स्ट अनदर कंपोनेंट ऑफ द रेडिएशन रेडिएशन हैज एम्पलीट्यूड ए बाय टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इज ए बाय टू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। एंड अनदर कंपोनेंट ऑफ लाइट हैज गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ए बाय टू एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, गॉट इट। तो दैट मींस व्हाट, इसके ऊपर तीन कलर की रेडिएशन एक साथ पड़ रही है। अब कलर भी हो सकता है वो इनविजिबल भी हो सकता है, बट इट इज इफेक्टिवली इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट वी आर हैविंग थ्री बीम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी साइमल्टेनियसली इंसिडेंट ऑन द मेटल, गॉट इट। इफेक्टिवली यही बात हुई ना, ठीक है। सुपर पोजिशन बस देख रहे हैं, तो सम की तरह से एक्सप्रेस करके हमें पता चल गया क्या क्या कॉम्पोनेंट्स पड़ रहे हैं मेटल पे। तो नाउ विच फ्रीक्वेंसी विल डिसाइड की मैक्स, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन विल डिसाइड द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, राइट, बिकॉज यू जस्ट हैव टू सब्सट्रैक्ट द वर्क फंक्शन। सो मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन विल गिव यू द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन एनर्जी। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू नाउ। सो दिस ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटोन। सो जस्ट सो के मैक्स विल बी वॉट, now angular frequency you need to convert it to the normal frequency h nu, so omega plus omega naught divided by 2 pi, that gives you the normal frequency, right, hertz wala frequency jo ye radians per second se hertz mein convert kar, bhulna nahi, isliye mistake nahi karna hai, theek hai। so this h nu minus, now just you subtract the work function of the lithium, so and h, okay, another value that you can remember is Planck's constant, generally hame joules joule seconds mein yaad rehta hai, 6.63 into 10 to the minus 34 karke। बाकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी याद रहे तो कहीं कहीं पे काम आएगा तुम लोगों को, कहीं कई बार अच्छे अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा काम, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हर्ट्ज में भी याद रख सको तो बहुत अच्छा है। तो व्हाट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हर्ट्ज, इट इज 4.14 इंटू 10 टू द माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हर्ट्ज, ठीक है। बाकी एनर्जी हम सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकें, तो इसको पुट कर दो अभी, तो 4.14 इंटू 10 टू द माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर हर्ट्ज इंटू इतना हर्ट्ज, ठीक है। ये वाला टर्म हो गया, और इसमें से इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिथियम का वर्क फंक्शन माइनस चल गया, तो ये क्या आ गया मेरा 0.383, ठीक है। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, आया सभी को समझ में? ऑलराइट, इसमें ये क्वेश्चन है कि अगर मान लो फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी नहीं करती है, ठीक है, तो इसमें से इन तीन रेडिएशन में से कौन सी जो रेडिएशन है उससे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो तुम याद करो कल मैंने जो ग्राफ बताया था, अगर इफ वी गो बाय द एनसीईआरटी ग्राफ, उसके हिसाब से क्या है, एक गिवन इंटेंसिटी पे जो है हमारा जो सैचुरेशन करंट है वो सेम था, इज इट नॉट, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी उसका सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा, एज्यूमिंग कि सबके सब कैपेबल है, वो देख लेना एक बार, हो सकता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम ना चली गई कोई फ्रीक्वेंसी, लेकिन एज्यूमिंग कि ऑल द थ्री फ्रीक्वेंसीज आर मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सो देन विच विच कॉम्पोनेंट रेडिएशन विल एमिट मैक्सिमम नंबर फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दैट विच विल बी मोस्ट इंटेंस। और इंटेंसिटी जो होती है याद करो दैट इज एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, वेयर इसके प्रोपोर्शनल होती है इनटू सी होता है, एक्चुअली ये हमारा एनर्जी डेंसिटी होती है, उसको सी से मल्टीप्लाई करते तो इंटेंसिटी आती है, याद है ईएम वेव्स में, मतलब ठीक है हाफ है वो 1/4 है वो देख लेना, ईआरएमएस यूज करो ईपीसी यूज करो, बट इतना समझ में आता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी नहीं आती इधर। तो इसमें से जिस जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, राइट। तो इसमें किसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है तो इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या, इसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इस वाले टाइप के रेडिएशन से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज एरोडो 5.277। क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखो,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोमीटर फॉल्स ऑन अ फोटो सेल ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड का मतलब समझ लो कि जो हमने बैटरी की जो वोल्टेज लगा रखी है दैट इज सफिशियंट टू पुल आउट एवरी एमिटेड इलेक्ट्रॉन, मतलब इट्स नॉट अलाउइंग एनी एमिटेड इलेक्ट्रॉन टू फॉल बैक इनटू द एमिटर। ओके, तो सैचुरेशन मोड में हमारा ये ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी ऑफ फोटो सेल इज 4.8 मिली एम्पियर पर वॉट। Now I did not define spectral sensitivity, but then if you use common sense, you will be able to understand what does it mean. इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? एक वॉट अगर मैं पावर डाल रहा हूँ तो उससे 4.0 मिली एम्पियर करंट जनरेट हो रहा है, समझ गए कि नहीं? पावर जो दे रहे हो तो उससे कुछ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जा रहे होंगे, उस नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड से कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आ रहे होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विल बी द करंट एंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इंटू फोटॉन एनर्जी विल बी द फोटोन पावर। तो समझ में आ रहा है स्पेक्ट्रल सेंसिटिविटी का मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ रहा है कि नहीं? एक वॉट डालने से 4.8 मिली एम्पीयर प्रोड्यूस हो रहा है, और तुमको पता है ये अगर फोटोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी कांस्टेंट है तो ये प्रोपोर्शनल ही रहेगा, इधर दो वॉट कर दोगे तो इसका डबल हो जाएगा, डेढ़ वॉट कर दोगे तो उसका डबल हो जाएगा, इसमें अगर डीपी चेंज करोगे तो उसके हिसाब से इसके अंदर कुछ चेंज आएगा डीआई। समझ में आई बात? क्लियर है? तो क्या लिखा? फाइंड द यील्ड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या पूछा है? यील्ड का मतलब क्या होता है? वही फोटो इलेक्ट्रिक, ये ऑल्टरनेटिवली यूज होते हैं टर्म्स, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्वांटम यील्ड भी बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी बोलते हैं, क्वांटम यील्ड बोलते हैं या खाली यील्ड बोलते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा कॉन्टेक्स्ट से क्या मतलब है यील्ड का। यील्ड का मतलब है कि पर यूनिट फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली पर यूनिट फोटोन जो नंबर होगा ये ऑब्वियसली मच मच लेस देन वन होगा, क्योंकि बहुत सारे फोटॉन्स पड़ते हैं उसमें से कई तो इधर उधर ही, मतलब जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन से टकराए, और इलेक्ट्रॉन से टकराए भी तो जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर ही निकले, इधर उधर माता बोर्ड के अंदर भी रह सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके हमें फोटो इलेक्ट्रिक यील्ड निकालनी है, दैट इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय ईच इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। ट्राई करो खुद से, ठीक है, डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये सिंपल ही है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट टाइप नहीं पढ़ते, उसी टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री टाइप। हाँ, क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे देखो, मान लेते ईटा जो है मेरा फोटो इलेक्ट्रिक यील्ड है, यानी ईटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड पर यूनिट इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। अब इंसिडेंट पावर मान लो एक वॉट है, जे का मतलब क्या, अगर एक वॉट पावर है तो 4.8 मिली एम्पियर करंट है, यही मतलब है। एक वॉट मेरा इंसिडेंट पावर है तो 4.8 मिली एम्पियर मेरा करंट है, यही मतलब हुआ कि नहीं, बोलो। तो क्या माना मैंने, इंसिडेंट पावर 1 वॉट का मान लिया, तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड क्या हो जाएगा, हर फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे, पावर डिवाइडेड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, दैट विल बी पावर डिवाइडेड बाय फोटॉन एनर्जी, इज इट, दैट विल बी, क्योंकि पावर क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, राइट। पावर डिवाइडेड बाय एचसी बाय लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, राइट। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड क्या हो जाएंगे फिर, ईटा इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, राइट। तो करंट क्या हो जाएगा, ईटा इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, समझ में आया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मेरा करंट हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम इनटू चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल, समझ में आई बात के नहीं? तो बस अब इस वैल्यू को सब्सिट्यूट करके मेरे पास जो जे की वैल्यू आ जाती है ये आ जाती है, बस ये दोनों चीजें लिखी हुई है ना, इसको सब्सिट्यूट करके जे की वैल्यू ये आ जाती है। अब इसी को रीअरेंज कर लो तो ईटा जो है हमारा ये आ जाएगा, और इसमें पी को 1 डाल के जे को 4.8 मिली एम्पीयर डाल दो, मतलब समझ गए, यूनिट्स में कन्वर्ट किया, इसके बाद तो समझ में आ ही रहा होगा, बस नंबर्स डाल के सॉल्व कर लो, तो फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी तुम्हारी कैलकुलेट करके 1 in 200 आ जाएगी, ठीक है। सिंबल्स में नहीं करना, डायरेक्टली कर रहे हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको। करंट को सीधे 4.8 मिली एम्पीयर लिखो, ठीक है, करंट को सीधे क्या लिखो, 4.8 मिली एम्पीयर इज इक्वल टू क्या लिख लो, दैट इज ईटा इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंटू ई, ठीक है, ये 4.8 मिली एम्पीयर लिख लो, और 1 वॉट को क्या लिख लो, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड इंटू एच सी बाई लैम्डा, समझ गया कि नहीं? बस इन दोनों को डिवाइड करके ये बस इसके बाद तुम्हारे पास ईटा का एक्सप्रेशन आ जाएगा, समझ में आई बात नहीं? एनपीएनपी तो कैंसिल हो जाएगा ना, बस इसी को रीअरेंज करके डायरेक्टली भी नंबर्स में काम कर सकते हो। मैं सिंबल्स में प्रेफर करता हूँ, बट मॉडर्न फिजिक्स में अक्सर इट इज नॉट गुड टू डू थिंग्स इन सिंबल्स, कई बार क्या होता है नंबर्स अच्छे होते हैं तो अच्छा दोनों बातें हैं एक्चुअली, कई बार नंबर बहुत गंदे भी होते हैं, बट अक्सर मॉडर्न फिजिक्स में इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस करने से कई बार काम आसानी हो जाता है, ठीक है। तो देख लो किस तरह से करना है, बट समझ में आ रही बात के लिए, कई बार नंबर्स में डायरेक्टली काम करके कम जो पड़ता दिमाग से। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। जे ये दे रखा है, इसका मतलब क्या, एक वॉट के लिए 4.8 है, दो वॉट होगा तो इसका डबल होगा, तीन वॉट होगा तो उसका ट्रिपल होगा, समझ में आई बात के लिए? तो डिवाइड कर दो, करंट को लिखो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड में, और पावर को लिखो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड में, दोनों को डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड तो कैंसिल ही हो जाएगा उसके बाद, राइट। आई बात समझ में?
इसके बाद जो अगला हमको डिस्कशन करना है दैट इज फेलियर ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम क्यों कहते हैं कि क्लासिकल वेव थ्योरी फेल हो गई। बीच बीच में कहीं कहीं पे मैंने कुछ कुछ चीजें डिस्कस की, अभी यहाँ पे फॉर्मली सारे रीजन एक साथ स्टेट कर देती हूँ। तो क्या लिखा, सबसे पहला रीजन क्या है, विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, यानी जो एक्सपेरिमेंट हुआ है लैब में अब तो 10^-9 सेकेंड की एक्यूरेसी से मेजर किया है, देर इज नो टाइम इंटरवल बिटवीन द अराइवल ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे ही फोटोन पड़ता है इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, इसमें कोई टाइम इंटरवल नहीं है। मतलब अगर टाइम इंटरवल है भी तो 10^-9 सेकेंड से भी छोटा टाइम इंटरवल है, यानी ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलता है। जबकि अगर हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से एक्सप्लेन करें तो वेव पड़ रही है, वेव से एनर्जी पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट हो रही है, एक्यूमुलेट होते होते वो कभी ना कभी वर्क फंक्शन के बराबर पहुंचेगी, उसके बाद जाके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होना चाहिए। तो इट टर्न्स आउट कि अगर हम वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से चलें तो यहाँ पे डेटा दे रखा है, पार्टिकल की थ्योरी के हिसाब से इमीडिएटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है, लेकिन वेव थ्योरी के हिसाब से क्या, एनर्जी इकट्ठे होते होते 1 महीने का टाइम लग जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने में। ये इस तरह की बात है कि जैसे तुमको आम के पेड़ से एक आम गिराना है, तो एक है कि पत्थर सीधे आम को लग रहा है, ठीक है, तो वो एनर्जी सारी की सारी एक आम में चलेगी, बाकी आम को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन एक आम जो इमीडिएटली झड़ गया, इज इट ट्रू। लेकिन क्या है, अगर इसकी जगह तुम पेड़ हिला रहे हो, पूरा का पूरा पेड़ को हिला रहे हो, तो धीरे धीरे करके उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे 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 बढ़ाओगे, पूरे पेड़ के अंदर एनर्जी एक साथ आएगी, हो सकता है कि महीने भर बाद सारे आम एक साथ गिर जाए, ठीक है, नहीं, लेकिन आम इमीडिएटली गिरना चालू नहीं होगा। समझ गए एनालॉजी किस तरह की है। वेव थ्योरी के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे पेड़ को हिला रहे हैं, इज इट नॉट, जो एनर्जी है पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे इंस्टेड ऑफ हैविंग कंसंट्रेटेड एनर्जी एट वन पॉइंट, ठीक है। तो ये बात, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता कि महीना भर वेट करना पड़ेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है। मतलब एक्चुअल डेटा इस तरह का, देखो क्या लिखा है, अ डिटेक्टेबल फोटो करंट रिजल्ट्स व्हेन 10^-6 W/m² ऑफ ईएम एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द सोडियम सरफेस। ये इतनी कम इंटेंसिटी पड़ती है तो भी हम डिटेक्ट कर पाते फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है। अब वन एटम थिक 1 m² सोडियम सरफेस कंटेन्स अबाउट 10^19 एटम्स। तो थोड़ी कैलकुलेशन की है कि अगर वन एटम थिक अगर हम लेयर मान लें उसके ऊपर अगर हम इल्यूमिनेशन कर रहे हैं इस लाइट से, ठीक है, तो ठीक है, दस ईच एटम वुड रिसीव एनर्जी एट 10^-25 W, हर एक एटम को 10^-25 W के हिसाब से एनर्जी मिलेगी इस केस में, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अगर हम मान लें सब इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी, राइट, सब एटम्स में इतनी एनर्जी जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट मान लें तो पर एटम इतनी एनर्जी मिलेगी। एट दिस रेट इट विल टेक 1 month टू एक्यूमुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द वर्क फंक्शन। इस रेट से 1 महीने के बाद फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, सर्वो एमिशन होगा कैसा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक झटके इस हाथ में निकल जाएंगे अगर एक्यूमुलेट होती रहेगी तो, ठीक है ना। मतलब या तो हम गिरेंगे ही नहीं और गिरेंगे तो सारे एक साथ गिर जाएंगे फिर, ठीक है ना, इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इवन एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी यू स्टार्ट इमीडिएट एमिशन, यू ऑब्जर्व दैट देयर इज इमीडिएट एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। तो आई होप दिस रीजन इज क्लियर क्यों हम कहते हैं कि वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकता, ठीक है। वेव थ्योरी में तो सब कुछ स्प्रेड आउट है ना एनर्जी, कहीं पे कंसंट्रेटेड एनर्जी है ही नहीं, लेकिन क्या पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है फोटोन में कंसंट्रेटेड एनर्जी, ओके। फिर क्या लिखा, अ ब्राइटर लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा ब्राइट लाइट यूज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी इलेक्ट्रॉन्स की कोई बढ़ती नहीं है, यानी के मैक्स हमारा उतना का उतना ही रहता है। जबकि अगर क्लासिकल वेव थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो लार्ज इंटेंसिटी का मतलब है लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी इलेक्ट्रॉन को जोर जोर से कोई हिला रहा है तो फिर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलना चाहिए, बट ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लार्जर इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, ना कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देखने को मिलती है, ठीक है, ओके। तो एट ब्राइटर लाइट सेम फ्रीक्वेंसी डज नॉट इंक्रीज द के ई ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, तो इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, व्हाइल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इलेक्ट्रॉन एनर्जी शुड इंक्रीज विद द लाइट ग्रेटर देन द शुड इंक्रीज विद द लाइट ऑफ ग्रेटर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, समझ में आई बात नहीं, तो इसलिए भी इसको वेव थ्योरी से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। और क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शुड अकर एट ऑल फ्रीक्वेंसीज इफ इंटेंसिटी इज लार्ज एंड, क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे भी हो तो क्या है, फिर ज्यादा इंटेंसिटी कर दो तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाना चाहिए, लेकिन क्या देखने को ही नहीं मिलता, ठीक है ना। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से नीचे इट डजंट मैटर कितना भी ब्राइट कर लो लाइट, यू विल नॉट सी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, तो जो कि क्लासिकल वेव थ्योरी के हिसाब से होना चाहिए, तो इसलिए फेल हो गई क्लासिकल वेव थ्योरी, राइट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शुड अकर एट ऑल फ्रीक्वेंसीज इफ द इंटेंसिटी इज लार्ज, हाउएवर
we find that there is no photoelectron emission below a certain cutoff frequency. तो समझ में आया why wave theory fails to explain the photoelectric effect. Okay, clear है सभी को, एक बार देख लो. अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये पाथफाइंडर का क्वेश्चन है. तो पैसेज है, पढ़ते हैं. याद करो मैंने क्या बोला था, एनसीईआरटी के ग्राफ से फोटोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी जो होती है हमारी इंटेंसिटी मतलब सेम इंटेंसिटी पे हमारा क्या था, सैचुरेशन करंट सेम था. यानी क्या, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे हमारी फोटोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा होगी. कि इंटेंसिटी अगर तुम सेम रख रहे हो और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम कर रहे हो. इज इट नॉट, रिपीट कर रहा हूँ धीरे धीरे से. बात मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी के ग्राफ में हमने क्या देखा था, अलग अलग मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए सेम इंटेंसिटी रखते हुए सैचुरेशन करंट सेम था. याद है कि नहीं, याद आ रहा है ग्राफ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे इंटेंसिटी सेम रख के सैचुरेशन करंट सेम था. नाउ इफ आई हैव लाइट ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी टू मेंटेन सेम इंटेंसिटी आई विल हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड. लेकिन सैचुरेशन करंट अगर सेम है लेसर नंबर ऑफ फोटॉन्स से, इसका मतलब क्या, हायर फ्रीक्वेंसी पे हमारी एफिशिएंसी बढ़ गया इफ वी गो बाय द एनसीईआरटी. समझ गए कि नहीं. लेकिन पाथफाइंडर के क्वेश्चन में ऐसा एज्यूम नहीं किया, पाथफाइंडर के क्वेश्चन में एज्यूम कर लिया कि एफिशिएंसी फोटो एफिशिएंसी सेम ही है. मतलब इसका इसके अंदर पैसेज में तीन क्वेश्चन है, तीसरे पार्ट में शायद उसकी जरूरत पड़ेगी. बट मेरी ये फीलिंग है कि उसको मेंशन करना चाहिए था, अगर एफिशिएंसी सेम इंटेंडेड है तो इट शुड बी मेंशन दैट फोटोइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. बट ये ऐसा मेंशन नहीं किया, बट ठीक है, मतलब आए तो क्वेश्चन समझ जाना कि ये इंटेंशन है पाथफाइंडर वाले क्वेश्चन का. समझ में. तो क्वेश्चन के अभी मैं पढ़ दे रहा हूँ क्या लिखा. Consider a classic experiment on photoelectric effect in which a monochromatic plane wave of light falls on a metal plate of area 66.3 cm square. तो ये जो plate है इसका area क्या है, 66.3 cm square. Okay. At an angle 30 degree as shown in the figure. तो ये जो angle है ध्यान रखना plate से angle है, इसकी normal से angle नहीं 30 degree. ठीक है, ध्यान से. Okay. Electric field in the light wave varies according to the function E is equal to E naught cos of omega t plus phi. ये electric field का function दिया plate के ऊपर. Where the amplitude of electric field is 15 volt per meter, angle frequency 9.5 to 10 to the 15 radians per second, or phi naught jo hai kuch initial phase constant hai, phase angle hai. For a plane wave, the density of electromagnetic energy is given by half u epsilon naught e naught square. Ye to EM wave mein padh chuke hain hum log, koi nayi information nahi hum logon ke liye. Ye energy density hoti hai electric field ki, right? और एनर्जी डेंसिटी को c से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो हमारे पास इंटेंसिटी आ जाती है. याद है ना, I is equal to u into c, ये हमने प्रूव किया था. डिपेंडेंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट आई ऑन वोल्टेज वी अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज शोन बाय द ग्राफ. तो यहाँ पे करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ दे रखा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये सैचुरेशन करंट दे रखा है और ये मेरा क्या है, ये कट ऑफ वोल्टेज दे रखी है. इट नॉट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल दे, नॉट कट ऑफ, बेसिकली ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें दे रखा है. ठीक है, इसके लिए ओके. और क्या दिया हुआ हमको, स्पीड ऑफ लाइट सी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट इज 6.16 × −34, electrical permittivity of free space is 8.85 × −12 farad per meter and charge on electron is −1.6 × −19 coulomb. ये तो passage में information दी हुई है. अब इसके ऊपर तीन questions पूछेगा, उसमें से पहला question क्या है, सबसे पहला question है what is the quantum yield in the experiment. तो quantum yield क्या है, क्या होती है, अभी अभी हम लोगों ने देखा quantum yield होता है number of electrons emitted per unit incident photon. सैचुरेशन में हम लोग बात करते हैं क्वांटम यील्ड, सैचुरेशन उसके पहले नहीं बात करते. तो यहाँ पे देख सकते हो सैचुरेशन करंट तुम्हें दे रखा है, राइट, सैचुरेशन करंट तुम्हें दे रखा है, उसके बाद फिर एरिया वेरिया दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है. ठीक है, तो इसका यूज करके तुम वर्कआउट कर सकते हो कि कितना पावर पड़ रहा है. ठीक है, और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड अगर तुम्हें पता चल गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड तुम्हें पता चल गए तो फिर तो बस रेशियो लेना, उससे हमारी क्वांटम यील्ड आ जाएगी. ठीक है, तो आई वॉन्ट यू टू वर्क आउट द एक्सप्रेशन एटलीस्ट. ठीक है, कैलकुलेशन बेशक बाद में कर लेना, बट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, खुद से सोचो क्या करोगे. अच्छा, एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये एक यील्ड मैंने यहाँ पे सही निकाली थी, पिछला जो क्वेश्चन करा था यील्ड ऑफ 5.277, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना. यहाँ पे ये 0.02 का मतलब है 2 in 100 है, ये दिस इज 2%, 2 in 100 होना चाहिए, मैंने 1 in 200 लिखा हुआ. ठीक है, ये ठीक कर लो. अभी ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये पाथफाइंडर वाला, नहीं होगा तो बताओ. ठीक है, इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो. ठीक है, हाँ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस. वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अगर ध्यान से सोचोगे तो सब समझ में आएगा. तो मेरी बात सुनते जाओ ध्यान से. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है 30 डिग्री एंगल पे. ठीक है, तो नॉर्मल से कितने एंगल पे पड़ रही है, 60 डिग्री एंगल पे. तो अगर इसका एरिया ए है तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा ये ए कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, राइट, या ए साइन 30 हो जाएगा, ए कॉस 60 डिग्री, राइट. ठीक है,
और इंटेंसिटी मेरे को पता है इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी होती है मेरी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। तो इंटेंसिटी पता है, प्रोजेक्टेड एरिया पता है, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड मुझे पता है। समझ में आ रही बात के लिए? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड मुझे पता है, इनफैक्ट एनर्जी पर यूनिट टाइम पता है, इंटेंसिटी पता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कैसे पता चलेगा? अगर एनर्जी पर यूनिट टाइम पता है, इंटेंसिटी इनटू प्रोजेक्टेड एरिया पावर देगा, राइट? पावर को एच न्यू से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड मिल जाएंगे। आई बात समझ में? इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, ठीक है? समझ में आई बात की नहीं? आई नो पावर एंड पावर डिवाइडेड बाय एच न्यू, दैट इज एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, वो पता है। सैचुरेशन करंट पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पता है, बस इसका रेशियो लोगे तो क्वांटम यील्ड आ जाएगी। समझ में आया? आई होप इट इज मेकिंग सेंस। नाउ आई विल जस्ट डू द कैलकुलेशंस। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने? तो इंटेंसिटी तो मेरी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, ये मेरी इंटेंसिटी हो गई, राइट? ठीक है, और पावर क्या होता है मेरा, इंटेंसिटी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, आई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये बात मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में की थी, बाकी अगर नहीं भी याद है तो ये कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, तो उस एरिया की प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और उसकी प्रोजेक्शन क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा। अगर वो एरिया ए है तो इसकी इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होगी ए कॉस थीटा, अगर थीटा मैंने नॉर्मल से एंगल लिया हो तो। ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया कई जगह पे यूज करते हो फिजिक्स में, ठीक है, यही लिखा हुआ मैंने। तो समझ में आया? तो पावर क्या, इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट। तो हमारे केस में थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमें प्लेन से एंगल 30 डिग्री दिया हुआ, तो नॉर्मल से 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, पावर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी क्या हो गई मेरी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी इनटू ए कॉस थीटा, ये मेरा क्या हो गया, ये पावर हो गया। और नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड क्या होगा, वो पावर डिवाइड बाय एच न्यू हो जाएगा, राइट? और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है ओमेगा इज 2 पाई न्यू, राइट? तो ओमेगा अपॉन 2 पाई करके न्यू को ऐसे लिख दिया। समझ में आया? तो ये मेरा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड हो गया। आई होप इतना समझ में आया, पावर डिवाइडेड बाय फोटोन एनर्जी करके, तो ये मेरे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ गए। अब सैचुरेशन करंट क्या होता है, वो हो जाएगा फोटोइलेक्ट्रिक यील्ड इनटू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये मेरा सैचुरेशन करंट है। तो अभी इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, यानी ये एनपी है और एनपी यहाँ पर भी एनपी है, डिवाइड करोगे एनपी खत्म हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट करके खाली ईटा के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो ईटा के लिए सॉल्व करोगे ये फोटोइलेक्ट्रिक यील्ड है, तो ये समझ गए, इन दोनों इक्वेशन में एनपी को एलिमिनेट करके ये आ जाता है तुम्हारे पास, तो ईटा की वैल्यू जो है कैलकुलेट करोगे तो वो ये आ रहा है। अब तो बस वैल्यूज डाल दो, कैलकुलेट करोगे सारी, एच पता है, ओमेगा पता है, ई नॉट पता है, एरिया पता है, सी पता है, कॉस थीटा, ये सब चीजें पता है, सारी चीजें सारा डेटा दे रखा है, कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.038 सब डाल के। तो समझ में आया सभी को? आई होप क्वेश्चन 13 इज क्लियर फॉर एवरीबडी, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, इसके बाद 14th क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 14 क्या है, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंसिडेंट लाइट इज मेड 25 वोल्ट पर मीटर, हाउ मच विल द सैचुरेशन करंट बिकम। तो देखो हमने क्या चीज चेंज किया, हमने एम्पलीट्यूड चेंज किया, हमने फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया। एम्पलीट्यूड चेंज किया तो उसका मतलब क्या, इंटेंसिटी बढ़ा दी हमने, और हमें पता है जो सैचुरेशन करंट होता है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट? इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हो। तो पहले 15 वोल्ट पर मीटर था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और अभी क्या है 25 वोल्ट पर मीटर, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी इंटेंसिटी किस फैक्टर से बढ़ जाएगी, ई नॉट स्क्वायर के फैक्टर से बढ़ती है, राइट? तो 25/15 के स्क्वायर के फैक्टर से तुम्हारी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी जिस फैक्टर से बढ़ी उसी फैक्टर से नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड बढ़ जाएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट ही है, राइट? तो इसका मतलब क्या, पहले जो भी मेरा सैचुरेशन करंट था उसको क्या करना पड़ेगा, 25/15 के स्क्वायर के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नया सैचुरेशन करंट आ जाएगा। आ रही बात समझ में? क्या लिखा, सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, द सैचुरेशन करंट विल गेट स्केल्ड अप बाय फैक्टर ऑफ 25/15 स्क्वायर, मेकिंग सेंस? तो बस क्योंकि करंट जो होता है वो, सॉरी, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, राइट? तो नया सैचुरेशन करंट क्या आ जाएगा, पहले 6 माइक्रो एम्पियर था, इसको फिर क्या करना है, ये 5/3 लिखा हुआ है, एक्चुअली 5/3 का स्क्वायर 25/9 हो गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 16.67 माइक्रो एम्पियर आ गया, जो कि ऑप्शन सी है। सो आई होप क्वेश्चन 14 इज क्लियर टू एवरीबडी, डाउट है तो अभी बोल सकते हो। अभी 15th क्वेश्चन में क्या किया हमने, अभी एक कॉम्प्लिकेटेड सा इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन दे दिया। अभी याद है ना, एरोडो में भी एक कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन था, इट वॉज प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, तो उसमें क्या किया था हमने, उसको सम की तरह एक्सप्रेस किया था, राइट? तो इसी तरह से यहां पर भी एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोडक्ट फंक्शन दिया, क्या दिया, इंस्टेड ऑफ अ सिंपल प्लेन वेव, कॉम्प्लेक्स प्लेन वेव ऑफ लाइट गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन फॉल्स ऑन द मेटल प्लेट।
तो ये मान लो ऐसे दे रखा है, इज टू ई नॉट वन प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट होल, मतलब इस तरह से दिया हुआ, ठीक है। तो अभी क्या पूछा, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन करंट क्या होंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे गवर्न होगा, इसके अंदर जो जब इसको सम की तरह एक्सप्रेस करोगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से के मैक्स गवर्न होगा, और के मैक्स को ई इंटू वी स्टॉपिंग के बराबर कर देंगे, ठीक है। नहीं, नेगेटिव वर्क उतना करना पड़ेगा के मैक्स के बराबर ताकि इसको स्टॉप कर सके, तो समझ में आ रहा है। इसको एक्सप्रेस करके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो उससे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल निकलेगा। उसके अलावा क्या है, जब इसको सम की तरह एक्सप्रेस करोगे तो यू विल हैव कॉम्पोनेंट वेव, ठीक है। और इसमें क्या अज्यूम करना है, क्वांटम एफिशिएंसी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी अज्यूम करते हुए मुझे सॉल्व करनी, ठीक है। तो थोड़ी देर खुद से ट्राई करना चाहोगे, थोड़ी देर अपने आप से बुद्धि लगाओ, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। थोड़ी देर खुद से सोचो क्या होगा। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, मैंने कल बताई थी, आज एम्फसाइज करने के लिए दोबारा बता रहा हूं। एनसीईआरटी के हिसाब से सेम इंटेंसिटी पे सेम सैचुरेशन करंट होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सेम इंटेंसिटी रखते हुए अगर मैंने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स आधे कर दिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल मतलब मेरे पार्टिकल्स जो है उनकी डबल एनर्जी हर पार्टिकल की, लेकिन इंटेंसिटी सेम रखे हुए यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आधे कर देंगे सेम इंटेंसिटी रखने के लिए। अगर सेम इंटेंसिटी पे फ्रीक्वेंसी डबल करने पे सेम करंट आ रहा है, यानी आधे नंबर ऑफ पार्टिकल से सेम करंट जनरेट हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर दी तो एफिशिएंसी भी डबल हो गई, इसका मतलब बात समझ आई कि नहीं। तो पाथ फाइंडर का आंसर जो मैच करता है वो एफिशिएंसी डबल करके मैच नहीं करेगा, इनफैक्ट एफिशिएंसी डबल करोगे अगर एनसीईआरटी की थ्योरी के हिसाब से चलोगे तो भी एक आंसर मैच करता है, लेकिन पाथ फाइंडर का वो आंसर मैच नहीं करता है। पाथ फाइंडर के क्वेश्चन में मेरे हिसाब से इनको लिखना चाहिए था कि क्वांटम एफिशिएंसी को इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी मानना है, जो कि एनसीईआरटी किसको सपोर्ट नहीं करता। एनसीईआरटी के हिसाब से क्वांटम एफिशिएंसी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल अगर सैचुरेशन करंट कांस्टेंट है तो ये सारे अजम्पशन मेरे को लगता है बहुत क्लियरली लिखना चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी क्वेश्चंस में, ठीक है। नहीं, डिबेट खत्म ही नहीं होगी अदरवाइज इसके ऊपर। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया हुआ, ठीक है। तो अब क्या किया, अब इसको जो प्रोडक्ट है इसको सम की तरह एक्सप्रेस कर लिया, तो समझ में आ रहा होगा इसको एक्सपैंड किया तो क्या आ गया मेरा, तो एक तो ये कॉन्स्टेंट टर्म आ गया ई नॉट बाई टू, कॉन्स्टेंट टर्म तो फ्रीक्वेंसी जीरो का टर्म है, इससे कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, जीरो फ्रीक्वेंसी तो क्या ही होगा, थ्रेशोल्ड के नीचे तो वैसे भी कुछ नहीं होता, ठीक है। एक ये टर्म है, ये टर्म क्या है, ये टर्म वही है जो पहले भी था, ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ये जो था ये वही वाला टर्म है जो पहले भी था हमारा, ठीक है। ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो ये वाला जो टर्म है ये तो वही पुराना वाला टर्म है, इससे जो करंट जनरेट होगा वही पुराना वाला करंट जनरेट होगा। इसके अलावा क्या, एक टर्म और है, इस टर्म का एम्पलीट्यूड आधा है और फ्रीक्वेंसी डबल है। इसका मतलब क्या है, हमको पता है इंटेंसिटी तो खाली एम्पलीट्यूड से लेना देना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसको फ्रीक्वेंसी तो कुछ लेना देना होता नहीं। इसका मतलब क्या, इस वाले टर्म की जो इंटेंसिटी है वो वन फोर्थ है एज कम्पेयर टू द टर्म टू, इसकी इंटेंसिटी वन फोर्थ है। अगर इसकी इंटेंसिटी वन फोर्थ है तो एनसीआरटी के हिसाब से चलें तो इससे जो करंट जनरेटेड होगा वो वन फोर्थ होना चाहिए, लेकिन एनसीआरटी के हिसाब से अगर चलते हैं करंट वन फोर्थ होगा तो इसकी एफिशियंसी भी डबल हो जाएगी, राइट। समझ में आई बात की नहीं, तो डबल एफिशियंसी मानते हुए करंट मेरा वन फोर्थ होगा, लेकिन यहां पे क्या अजम्पशन दिया, क्वांटम एफिशिएंसी कांस्टेंट है डबल नहीं हुई है, अगर मैं डबल एज्यूम करता तो वन फोर्थ होता करंट मेरा। समझ में आई बात की नहीं, इंटेंसिटी क्योंकि वन फोर्थ हो रही है, ठीक है, तो करंट मेरा वन फोर्थ होता लेकिन एफिशिएंसी डबल मानते हुए, लेकिन एफिशिएंसी डबल नहीं माननी है मुझे, मेरे को एफिशिएंसी सेम माननी है, मैंने यहाँ पे अजम्पशन दिया एज्यूम दैट एफिशिएंसी सेम। इसका मतलब क्या है, वन फोर्थ ना होके वो क्या होगा, वो वन एट्थ होगा एज कंपेयर टू इसका जो करंट है, इस टर्म के मुकाबले इसकी इंटेंसिटी वन फोर्थ है। इसका मतलब एनसीआरटी के हिसाब से इसका करंट वन फोर्थ होता लेकिन एक्चुअल में वन एट होगा, क्यों, क्योंकि एनसीआरटी का मतलब ये भी है कि फ्रीक्वेंसी डबल होने से एफिशिएंसी डबल हो चुकी है, लेकिन हमें क्या मानना है, एफिशिएंसी सेम मानना, तो वन फोर्थ ना होके वो वन एट ही होगा एज कम्पेयर टू द सेकेंड टर्म की करस्पॉन्डिंग जो करंट जनरेट हो रहा है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू एवरीबडी नाउ, ओके, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत। तो क्या लिखा, द रेडिएशन कैन बी ब्रोकन इन टू थ्री कॉम्पोनेंट्स एज शोन अबव, वन इज अ कॉन्स्टेंट फील्ड, ठीक है, सो प्रोड्यूसेस नो करंट, टू जो है, टू इज द ओरिजिनल फील्ड विच प्रोड्यूसेस 6 माइक्रो एम्पियर, इससे 6 माइक्रो एम्पियर प्रोड्यूस हुआ था, इंटेंसिटी ऑफ द थर्ड टर्म इज वन फोर्थ दैट ऑफ सेकेंड टर्म, इसकी इंटेंसिटी वन फोर्थ है तो इस ये कितना प्रोड्यूस करता, तो 1/4 × 6 प्रोड्यूस करते, यानी ये 1.5 माइक्रो एम्पियर प्रोड्यूस करता है एज पर एनसीआरटी थियरी, इतना सैचुरेशन करंट प्रोड्यूस करता, इफ द एफिशिएंसी इंक्रीज ड्यू टू द डबल फ्रीक्वेंसी तो 1.5 माइक्रो एम्पियर प्रोड्यूस करता, लेकिन बट अज्यूमिंग सेम एफिशिएंसी द करंट विल बी 1.5/2 दैट इज 0.75 माइक्रो एम्पियर।
ठीक है, तो इसका मतलब नया सैचुरेशन करंट क्या आ जाएगा, 6 माइक्रोएम्पियर इस टर्म के करस्पॉन्डिंग और 0.75 माइक्रोएम्पियर इसका, तो 6.75 माइक्रोएम्पियर हो जाएगा, राइट। तो ये तो मेरा करंट आ गया। अब मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरा जो है नया वो Vs है, तो अब मुझे पता है एच न्यू माइनस पाई जो होता है मेरा क्या होता है, ई टाइम स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। बाय द वे एच बार का मतलब एच अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है। तो कई बार एच न्यू की जगह हम एच कट इंटू ओमेगा भी लिख देते हैं, इसका मतलब एक ही है, ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू एच इज सेम एज एच इंटू न्यू, राइट। ठीक है, तो एच कट इंटू ओमेगा माइनस पाई, ठीक है। तो अभी क्या है, पहले जो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो मेरा 2 वोल्ट था, ग्राफ के हिसाब से देखो पहले मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, देखो यहाँ पे ये 2 वोल्ट था स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। और पहले मेरी फ्रीक्वेंसी जो थी वो मेरी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वो ओमेगा थी, एक ही फ्रीक्वेंसी थी एक्चुअली, राइट। तो इसलिए मैंने पहले वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या लिखा, पहले वाले स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए मैंने लिखा एच ओमेगा माइनस पाई इज ई इंटू 2, ठीक है। और नए में क्या है, इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है पहले से, तो ट्वाइस एच ओमेगा माइनस पाई इज इक्वल टू ई इंटू नया स्टॉपिंग पोटेंशियल, आया समझ में। अब इससे सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाता है, एच ओमेगा ई इंटू वी एस माइनस 2 आ जाता है, ठीक है। सब ट्रैक कर दोगे तो पाई खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो बस। तो Vs क्या आ जाएगा, h बार ओमेगा बाई ई इंटू 2, अब वैल्यूज डाल दो तो नया स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाता है 8.26 वोल्ट, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन मेरा क्या बन गया, अंडर द अजम्पशन एफिशिएंसी कांस्टेंट 8.26 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल और 6.75 माइक्रो एम्पियर मेरा सैचुरेशन करंट, तो ये ऑप्शन मेरा कौन सा है, ये ऑप्शन सी बन गया, आया समझ में। अब अगर मान लो मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलता और ये लाइन में नहीं लिखता तो फिर क्या होता, 0.75 ऐड करना चाहिए मुझे, 1.5 ऐड करनी पड़ता सेकंड टर्म के करिस्पॉन्डिंग एज पर एनसीईआरटी, तो फिर मेरा क्या होता, क्या लिखा, मतलब दिस क्वेश्चन शुड हैव मेंशनड क्वांटम एफिशिएंसी इज टू बी टेकन एज कांस्टेंट, अदरवाइज एज पर एनसीईआरटी थ्योरी सैचुरेशन करंट विल बी 6 + 1.5 यानी 7.5 माइक्रो एम्पियर हो जाता, ठीक है। और करेक्ट करेक्ट ऑप्शन उसके हिसाब से डी हो जाता हमारा, ठीक है। तो उस केस में ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होता। और मेरी अगर मेरे से पूछना है कि क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है सेफली अगर चलना है तो हमको एनसीईआरटी को ही मान के चलना चाहिए। कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं जिन्होंने एफिशिएंसी का मतलब जहां पे लिखा है ना इंटेंसिटी कांस्टेंट, तो उन्होंने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड को कांस्टेंट इंटेंसिटी का मतलब ले लिया, जो कि मेरे हिसाब से तो होता नहीं। इंटेंसिटी कोई भी डेफिनेशन नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड तो होता नहीं, किसी टेक्स्ट बुक में तो मैंने देखा नहीं। लेकिन अगर इंटेंशन है ये तो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज दैट क्वेश्चन विल गो इनटू कंट्रोवर्सी, वो क्लेम में चला जाएगा क्वेश्चन। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो मैंने दोनों ही पॉइंट्स ऑफ व्यू बता दिए जो पॉपुलर मतलब कुछ ऑथर्स ने जो किया हुआ है, मतलब मेरे को कोई एक्लेम के टेक्स्ट बुक्स में तो वो डेफिनेशन नहीं मिली है, लेकिन कुछ जेई के टेक्स्ट ने ऐसे ही ले लिया एफिशिएंट कांस्टेंट इंटेंसिटी का मतलब ले लिया नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कांस्टेंट, व्हिच इज नॉट द डेफिनेशन, कोई एक्लेम टेक्स्ट में मुझे ऐसा कॉरोबोरेट नहीं हुई ये बात, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। सो ऑल राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डी ब्रॉय वेव्स, वेव नेचर ऑफ मैटर, ये सब बात हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर हम लोगों का थ्योरी कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस भी काफी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।